तो दोस्तों फाइनली आज हमारे पास है 2023 मॉडल हीरो की सुपर स्प्लेंडर, जो कि मोस्ट पॉपुलर बाइक है अपने सेगमेंट में। आज हम जानने वाले हैं इसके बारे में। ये लेटेस्ट मॉडल है, 2023 मॉडल है, ये नया कलर है। शायद आप लोगों ने ये कलर ना देखा होगा, अगर देखा होगा तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना। सबसे पहले हम पहचान कर लेते हैं ये नया मॉडल है। आप टैंक पर नज़र डालो एक बार, आपको E20 का स्टिकर देखने को मिल जाता है। अभी आपको इसमें मिल जाता है E20 कैपेबल इंजन, मतलब आप इसमें एथनॉल 20% वाला फ्यूल डाल के इस बाइक को आसानी से चला सकते हो। साथ में इस बाइक में मिलने वाला आपको OBD2, और देखेंगे वीडियो में क्या चेंजेस हुए हैं। कुछ और चेंजेस हुए रहेंगे तो मैं आपको वीडियो में बताने वाला हूं। तो सबसे पहले हम इसके प्राइस एंड वेरिएंट की बात कर लेते हैं। इसके वेरिएंट की बात करें तो आपको दो वेरिएंट देखने को मिलने वाले हैं, नॉर्मल वाले में। एक्सेक वाले में भी आपको दो वेरिएंट देखने को मिल जाते हैं, लेकिन फिलहाल हम उसकी बात नहीं करेंगे, हम इसी की बात करेंगे नॉर्मल वाले की। इसमें आपको ड्रम एंड डिस्क दो का ऑप्शन मिल जाएगा। ये हमारे पास है डिस्क मॉडल, जो कि टॉप मॉडल है। इसकी और रुपये आपको मुंबई की पड़ने वाली है 1,04,000 रुपये, और अच्छा खासा आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। मैं डिस्काउंट भी आगे बताऊँगा आपको। और भी हम जान लेते हैं ड्रम वाले वेरिएंट की, उसकी और रुपये आपको मुंबई की पड़ने वाली है 1,00,000 रुपये विद एसेसरीज। दोनों का प्राइस मैंने विद एसेसरीज बताया, जिसमें आपको हेलमेट मिल जाएगा, पार्किंग कवर मिल जाएगा, सीट कवर मिलने वाली है, और हीरो की तरफ से जो भी जेन्युइन एसेसरीज होती है वो सारी एसेसरीज आपको साथ में मिलने वाली है। और डिस्काउंट की बात करें तो आपको 3,000 का डिस्काउंट मिलने वाला, जो मैंने और प्राइस बताई है उसमें आपका 3,000 लेस हो जाएगा, चाहे आप ड्रम वाला वेरिएंट लो या फिर डिस्क वाला वेरिएंट लो। तो काफ़ी अच्छा आपको डिस्काउंट मिलने वाला है। इस शोरूम का एड्रेस एंड कॉन्टैक्ट नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप कॉल कर सकते हैं, विजिट भी कर सकते हैं। अभी हम फिलहाल जान लेते हैं इस बाइक के बारे में डिटेल से, क्या चेंजेस हुए हैं, क्या नहीं हुए, सब कुछ आपको अच्छे से बताने वाला हूं। तो सबसे पहले हम सन से स्टार्ट कर लेते हैं। इसकी हेडलाइट हम देख लेते हैं। हेडलाइट आपको हैलोजन मिल जाएगी, जो आपको पहले मिलती थी। इंडिकेटर भी आपको हैलोजन बल्ब मिलने वाले हैं, पहले वाले ही, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं हुए हैं, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं हुए हैं। और सामने से बाइक कुछ ऐसे दिखने वाली है। क्रोम वर्क देखने को मिल जाता है, जो कि बहुत ही खूबसूरत दिखता है। हीरो की ब्रांडिंग देखने को मिल जाएगी। और मिरर पे आप नज़र डालो, आपको ऐसे सिंपल से मिरर मिल जाएंगे, जो कि देखने में काफ़ी कूल से लगते हैं। हैंडल बार कुछ ऐसे दिखने वाला है। आ जाते भी हम थोड़ा सा नीचे, सस्पेंशन आपको फ्रंट में टेलीस्कोपिक मिल जाएगा। और ये रहा इसका मडगार्ड, जो कि कुछ ऐसे दिखने वाला है, ब्लैक एंड क्लोसिवनेस। और ये वाला मडगार्ड का पार्ट आपको सिंपल सा देखने को मिलने वाला है, ब्लैक एंड मैट फिनिश जैसा। और इसमें आपको डिस्क ब्रेक देखने को मिल जाएगा, रियर में आपको ड्रम ब्रेक देखने को मिल जाएगा। साथ में आपको मिलने वाला हीरो की तरफ से IBS ब्रेकिंग सिस्टम, जैसे हमारा CBS काम करता है वैसे करने वाला। टायर की बात करें तो आपको ट्यूबलेस टायर मिल जाएगा। टायर साइज आपको फ्रंट में मिलने वाली है 80x100 की। और व्हील की बात करें तो आपको 18 इंच की एलो व्हील देखने को मिल जाती है। एंड बाय ब्रेक आपको ब्रेक कैलिपर मिलने वाला है। रिफ्लेक्टर आपको दोनों तरफ मिल जाएगा, सो विजिबिलिटी टर्निंग पे आपको अच्छा खासा मिलने वाला है इस बाइक में। आ जाते हैं हम रियर सस्पेंशन एंड व्हील की बात कर लेते हैं। सस्पेंशन की बात करें तो आपको मिलने वाला हाइड्रोलिक टाइप सस्पेंशन, जिसे आप एडजस्ट भी कर सकते हो, जैसे आपकी हाइट हो, जैसे आपको राइड करना हो। एंड टायर की बात करें तो आपको ट्यूबलेस मिलने वाले हैं। टायर साइज की बात करें, रियर का टायर साइज आपको थोड़ा सा वाइडर देखने को मिलने वाला है, 90x90 सेक्शन का। व्हील साइज आपको सेम मिलने वाली है 18 इंच की। रियर में आपको ड्रम ब्रेक देखने को मिल जाएगा। ब्रेकिंग क्वालिटी काफ़ी अच्छी मिल जाएगी, आपको IBS मिल जाता है। ये रहा इसका साइलेंसर, देख सकते हो ऐसा कुछ मिलने वाला है। इसके ऊपर आपको साइलेंसर मफलर मिल जाएगा, जो कि क्रोम वर्क के साथ में आएगा, मेटल रहने वाला, काफ़ी खूबसूरत सा दिख भी रहा है। और सीट कॉल की बात करें, आप देख सकते हो नए सी कवर आपको देखने को मिलने वाला है, रेड एंड सिल्वर, जो कि काफ़ी खूबसूरत से लग रहे हैं। हीरो की ब्रांडिंग देखने को मिल जाती है। और ये रहा इसका ग्रैब रेल, इधर से ओवरऑल ये बाइक कुछ ऐसे दिखने वाली है। पिलियन राइडर फुटरेस, अच्छा खासा ग्रिप मिल जाएगा। ICS की ब्रांडिंग, ICS के बारे में आगे हम डिटेल से जानेंगे। राइडर फुटरेस, ब्रेक पैड, किक आपको मिलने वाली है। इंजन की बात करें तो आपको वही इंजन मिलने वाला है, 125cc का, जो आपको पहले मिलता था। सिंगल सिलेंडर, फोर स्टॉक, टू वॉल्व, एयर कूल, FI साथ में आपको मिल जाएगा, 5-speed गियरबॉक्स, FI की ब्रांडिंग, क्रोम वर्क, जो कि काफ़ी खूबसूरत सा दिख रहा है। और ये नया स्टिकर आप देख सकते हो कितना खूबसूरत सा लग रहा है, रेड एंड थोड़ा सिल्वर एंड ग्रे जैसा दिया गया है। स्प्लेंडर की आपको ब्रांडिंग देखने को मिल जाएगी, सुपर स्प्लेंडर, जो कि काफ़ी कूल सा लग रहा है। सो ओवरऑल इधर से बाइक कुछ ऐसे दिखने वाली। ये रहा इसका कैटलेटिक कन्वर्टर, उसके ऊपर आपको अच्छे से कवर मिल जाएगी, मेटल की लेग गार्ड ऐसा कुछ रहने वाला है। कूलिंग सिस्टम आपको एयर कूल्ड ही मिल जाएगा। हॉर्न यहाँ पे आपको मिलने वाला है। ये रहा इस बाइक के राइट साइड का फुल व्यू, इधर से थोड़ा डार्क आ रहा है, मैं आपको लेफ्ट साइड से दिखाऊंगा तब आपको क्लियर पता चलेगा। अभी हम देख लेते हैं इसका टेल सेक्शन। टेल सेक्शन की बात करें, टेल लाइट आपको वही मिल जाएगी जो आपको पहले मिलती थी, हैलोजन बल्ब, एंड बड़ा सा आपको मडगार्ड मिल जाएगा। नंबर प्लेट यहाँ पे लगेगा, रिफ्लेक्टर, हीरो की ब्रांडिंग यहाँ पे देखने को मिल जाएगी, ऐसा ग्रैब रेल रहने वाला। आ जाते हैं इसके लेफ्ट साइड में, यहाँ से आपको बहुत ही अच्छे तरीके से दिखने वाला है क्लियर। यहाँ पे आपका की से एक्सेस मिल जाएगा, आप सीट ओपन कर सकते हो। और ये स्टिकर यहाँ पे आप प्रॉपर देख सकते हो, रोशनी काफ़ी अच्छा लग रहा है। हीरो की ब्रांडिंग, सारी गार्ड मिल जाएगा विद लेडीज फुटरेस। और इसमें आपको चैन कवर मिल जाती है, जो कि कुछ ऐसे रहेगी, एक प्लस पॉइंट रहेगा, इसकी वजह से आपकी चैन की जो है मेंटेनेंस कम हो जाएगी। आ जाते हैं इधर, ये रहा इसका पिलियन राइडर फुटरेस, ICS की ब्रांडिंग जैसे मैंने उधर देखा था, सेम स्टिकर वर्क एंड सेम ग्राफिक्स आपको इधर भी मिलने वाले हैं। ये रहा इसका राइडर फुटरेस, साइड स्टैंड, डुअल स्टैंड, इसमें आपको
साइड स्टेंज है, कट ऑफ सेंसर मिल जाता है। ये रहा इसका गियर पैड, गियर बॉक्स की बात करें तो आपको 5 मिलने वाले हैं इसमें हीरो की ब्रांडिंग। इंजन आपको 2 कलर मिल जाएगा, ये आपका ग्रे जैसा दिया गया है और ये आपका ब्लैक। यहाँ पे आपको क्रोम वर्क मिलने वाला है, यहाँ पे देख सकते हो सुपर स्प्लेंडर की ब्रांडिंग है, सेम स्टिकर वर्क जैसे हमने उधर देखा था, बहुत ही प्यारा सा मुझे स्टिकर वर्क लगा ये। यहाँ पे आपका मिलने वाला है लेग गार्ड, हॉर्न, अभी आप प्रॉपर देख पा रहे हो ये बाइक इस कलर में कैसे लगने वाली है। ये रेड ब्लैक एंड सिल्वर ग्रे का कॉम्बिनेशन जो कि देखने में काफी खूबसूरत सा दिख रहा है। ये रहा इसका लेफ्ट साइड का फुल व्यू, बहुत ही कड़क दिख रही है दोस्तों। आप लोग कमेंट करके जरूर बताना ये कलर आप लोगों को कैसा लगा। अभी हम बात कर लेते हैं इस बाइक के सीट कंफर्ट एंड फ्यूल टैंक के बारे में। तो सुपर स्प्लेंडर जो है अपने सीट एंड कंफर्ट के लिए जानी जाती है, इस पे अगर आप बैठे हो तो एकदम सोफा वाली फीलिंग आने वाली है, कुशनिंग काफी अच्छी मिल जाएगी। सो मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ प्लियर राइडर एंड राइडर को कंफर्ट को लेकर कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली, बहुत अच्छा कंफर्ट आपको मिल जाएगा चाहे आप सिटी राइड करते हो या फिर लॉन्ग राइड करते हो। अभी बात कर लेते हैं इसके फ्यूल टैंक को लेकर। फ्यूल टैंक से पहले मैं आपको बता दूं, अभी आपको इसमें मिल जाता है E20 कैवेल इंजन, मतलब आप एथनॉल 20% वाला फ्यूल डाल के इस बाइक को आसानी से चला सकते हो। जो गवर्नमेंट की तरफ से नया अपडेट आया है वो इसमें ये फुलफिल करती है, और फ्यूल टैंक कैपेसिटी आपको पुरानी वाली ही मिलने वाली है। माइलेज की बात के मेरे हिसाब से आपको माइलेज इसकी मिलने वाली लगभग 55-60 के आसपास, बाकी डिपेंड करता है दोस्तों आप बाइक चलाते कैसे हो। ये रहा इसका फ्यूल कैप। अभी हम बात कर लेते हैं इसके मीटर कंसोल के बारे में। सबसे पहले मैं आपको की दिखा देता हूँ, दो की आपको मिल जाएगी हीरो की तरफ से, और मीटर कंसोल ऑन कर लेते हैं। इसमें आपको सेमी रजिस्टर मीटर कंसोल मिलने वाला है, यहाँ पे आपको स्पीड बताएगा। और मैं आपको बता दूँ सबसे अच्छा माइलेज आपको कहाँ मिलने वाला है, सबसे अच्छा माइलेज आपको मिलने वाला है 30-50 के रेंज में। अगर आप इस स्पीड बाइक को चलाते हो तो बहुत अच्छा आपको माइलेज मिल जाएगा। यहाँ पे देख सकते हो इकोनॉमी लिखा भी गया है और यहाँ पे मार्क भी दिया गया है, आपको इस स्पीड में काफ़ी अच्छा माइलेज मिलने वाला है। और अभी हम यहाँ की बात कर लेते हैं, यहाँ पे आपको ऑडोमीटर बताएगा, फ्यूल बताएगा, टाइम बताएगा, सो काफ़ी कूल सी इन्फॉर्मेशन आपको मिलने वाली है। यहाँ पे आपको अदर इंडिकेटर बताएंगे, जैसे ये आपका साइड स्टैंड का हो गया, फ्यूल लो फ्यूल इंडिकेटर हो गया, न्यूट्रल का, इंजन माल फंक्शन लाइट, ये हीरो का हो गया। सो ऐसा कुछ आपको मीटर कंसोल मिलने वाला है, सेट सेट आप यहाँ से आसानी से कर सकते हो। अभी बात कर लेते हैं हैंडल बार के बारे में। ये आपका थ्रॉटल हो गया, ब्रेक लीवर एंड सेल्फ ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ये हो गया ICS, ICS बहुत ही काम की चीज़ है, मैं आपको शॉर्टकट तरीके से बता देता हूँ। इसकी वजह से जो है आपकी फ्यूल एफिशिएंसी बढ़ जाती है, मतलब आपका माइलेज इंक्रीज हो जाता है, ये काफी यूजफुल है। मैं बहुत सारी वीडियो में बताया हूँ, यहाँ पे मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। अभी हम बात कर लेते हैं हैंडल बार के बारे में। आपको सिंगल पीस में रेसिंग हैंडल बार मिल जाता है। इधर की बात करें अपर डिपर या आपका इंडिकेटर ऑन आप सुन सकते हो, पासिंग का एंड क्लच लीवर, मिरर के व्यू आपको कुछ ऐसे मिलने वाला है। तो दोस्तों आप लोगों ने जाना 2023 मॉडल हीरो की सुपर स्प्लेंडर के बारे में। इसमें चेंजेस की बात करें तो आपको 3 चेंजेस देखने को मिलने वाला है। पहला आपको मिल जाता है E20, दूसरा आपको मिलने वाला OBD2, तीसरा आपको मिलने वाला है इसमें नया कलर ग्राफिक्स। शायद ये कलर आप लोगों ने ना देखा होगा, ये कलर तो मैंने नहीं देखा था। आप लोग क्या ओपिनियन, आप लोग कमेंट करके जरूर बताना। और अगर आपको अपने स्टेट का ऑन रोड प्राइस जाना हो तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताना, मैं वहाँ का ऑन रोड प्राइस बता दूंगा। और ये मुझे कलर बहुत ही प्यारा लगा, आप लोग कैसा लगा आप लोग कमेंट करके ये भी जरूर बताना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम।